हूं रजा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जोडिक के दूसरे बुर्ज टॉरस के बारे में, जिसको सौर कहा जाता है, के बारे में आपसे बात करेंगे। ये 2022 के सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसमें हम पहले आपसे बात करेंगे कि टॉरस वाले किस तरह के होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे 2022 के में टॉरस वालों के लिए किस किस्म के हालात रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये लोग किस तरह के होते हैं। ये जो टॉरस के लोग होते हैं, ये मजबूत होते हैं, अपने लिहाज से काबिल एतबार होते हैं और रहनुमाई करने की सलाहियतों से मालामाल होते हैं। ये लोग खूबसूरत और नफीस अशिया के दिलदादा होने की वजह से खुद को मादी अशिया में घिरा रहना पसंद करते हैं। लम्स इनके नजदीक बहुत अहमियत का हामिल होता है। छूने का एहसास उनके लिए बहुत अहम है, चाहे वो काम का मामला हो या मोहब्बत का। वो मुस्तकिल मिजाज, दकियानूसी और सबसे ज्यादा भरोसामंद साबित होते हैं। अगरचे बाज़ोकात वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी साबित होते हैं, लेकिन इसकी वजह उनका वो मंसूबा होता है जो उन्होंने पहले से जहन में तराश रखा होता है। दरअसल वो चाहते हैं कि हर चीज ठीक हो, और इसके लिए वो सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा तख्लीकी होते हैं और बेशतर काम बगैर किसी मदद के खुद ही सर अंजाम देते हैं। सॉरी मर्द कैसे होते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तस्वुरात को अमली जामा पहनाने वाले, यानी प्रैक्टिकल लोग होते हैं। किसी की इफ्तदा और इजाद को मुफीद बनाने वाले, बतदरीज कामयाबी से कामयाब जिंदगी बसर करने वाले, खाने पीने के शौकीन, ये मिसाली शोहर होते हैं। असूलों पर सख्ती से कारबंद रहने वाले, मेजबानी में अपनी मिसाल आप, घरेलू जिंदगी के दिलदादा, दौलत की कदर कीमत जानने वाले, गैर यकीनी और मशकूक कामों से इज्तनाब करने वाले, हर पहलू पर नजर रखने वाले, जहीन और मुस्तकिल मिजाज, चाको चौबंद और होशियार लोग होते हैं। इनकी अगर मनफी बातों पे आया जाए तो ये बहुत जिद्दी होते हैं, कदामत पसंद होते हैं, गैर लचकदार होते हैं, अपने मौकफ पर कायम रहने वाले, माहौल में तब्दीली पसंद ना करने वाले, मामलात में सुस्त रफ्तार, जल्द नाराज हो जाने वाले, मादा परस्त, जिंदगी की तमाम आसाइशों के हसूल के ख्वाहिशमंद, ये अनापसंद होते हैं, हासिद होते हैं, तंग नजर होते हैं, ऐशो आराम के दिलदादा, जज्बात से भरपूर, खुदगर्जी का मादा इनमें नुमाया नजर आता है। अपनी खामियों से आगाह होने के बावजूद भी अपनी कमजोरियों को दूर ना करने वाले, हर धर्म और सुस्त रवि के हाथों नुकसान उठाने वाले लोग होते हैं। ये जो टॉरस वाले लोग होते हैं, इन्हें बागबानी पसंद होती है, खाना पकाना इनको पसंद होता है, हाथ से काम करना पसंद होता है, मुसीकी के दिलदादा होते हैं, दिल लगी करना, आला लिबास और खुराक के रसिया होते हैं। अचानक तब्दीली इन्हें पसंद नहीं आती, मसले मसाइल, किसी भी किस्म के अदम तहफ़ का खौफ, मसनूई मलबूसात इन्हें पसंद नहीं होते। बुर्ज सौर का ताल्लुक गर्दन और गले से होता है, इसलिए ये गर्दन और गले के मामले में बहुत हसास होते हैं। लिहाजा इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद में गले की खराबी और निजाम तनफ्फुस से मुतालिका बीमारियां आम होती हैं। गदूद, गले में सोजिश, सूजन, जिगर और गुर्दे के अमराज भी लाहक होने का खदशा रहता है। क्योंकि इनके जिस्म में बढ़ोतरी का रुझान पाया जाता है और वो खुद भी खुश खुराक होते हैं, इसी वजह से वो भारी भर कम होकर भद्दे भी हो जाते हैं। आइए अब हम इनके मोहब्बत के मामलात की तरफ आते हैं। तो अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाली की महबूबा हैं तो बेपनाह मोहब्बत के लिए तैयार हो जाएं। बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, लम्स यानी कि छूना बहुत अहम है। इस मामले में वो बहुत ज्यादा हसास होते हैं। उनकी अहलिया अमूमन बुर्ज
सौर से ही ताल्लुक रखने वाली होती है, ताहम वो ऐसी सनफ नाजुक से भी शादी कर लेते हैं जो उनको अच्छी तरह समझ सके और उनके रंग में रंग जाए ताकि जिंदगी का भरपूर मजा लिया जा सके। इन अफराद को तोहफे तोहफ देना बहुत पसंद है, इसलिए मुनासिब तोहफ देकर इन्हें राम किया जा सकता है। सौरी अफराद को घरेलू मामलात जिंदगी इनके लिए बहुत अहम होते हैं। घर वालों की खुशी और तहफ्फुज़ के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ज़हीन और हिस्से मिजाह रखने की वजह से वो बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। अक्सर औकात वो काम के वक्त दूसरों से मशवरा ले रहे होते हैं। अगर उन्हें एक मरतबा बाएतमाद और अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये दोस्ती को ताउमर कायम रखते हैं। ऐसे अफराद वफादार होते हैं और आगे बढ़कर दूसरों की मदद करना जानते हैं। उनकी बहुत सी दोस्तियां बचपन से ही शुरू हो जाती हैं और ताउमर जारी रहती हैं। वो वादा निभाना जानते हैं और अपनी जबान का पास रखते हैं। वो बच्चों से मोहब्बत करते हैं और घर वालों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। सौरी अफराद शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी सबके साथ गर्मजोशी से मिलते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा तकरीबात उनके अपने घर में हों और इस मामले में खर्चे की परवाह नहीं करते। अब हम सौरी अफराद के कारोबार और दौलत की बात करते हैं तो पायदारी इस बुर्ज का खासा है। ये दौलत के ख्वाहां होते हैं और इसे हासिल करने के लिए सख्त से सख्त काम करने से भी नहीं घबराते। वो काम के वक्त काबिले भरोसा, साबिर और मुकम्मल तनदही से काम करने वाले साबित होते हैं। जब वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही अरसा दरकार हो और कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। वो ऐन वक्त पर मदद के लिए दस्तियाब होते हैं और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। वो दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। काम के बदले में मिलने वाले मुआवजे को भी दिलो जान से अजीज रखते हैं, क्योंकि इस बुज से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने इर्द गिर्द मादी अशिया की कसरत देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा मौज मस्ती हो कर ली जाए। लेकिन वो ये बात भी बखूबी जानते हैं कि काम सबसे अहम है, क्योंकि यही वो जरिया है जिससे वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। वो रकम का हिसाब किताब रखने में माहिर होते हैं। वो अपने वाजबात वक्त पर अदा करते हैं और बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखते हैं। बाज़ औक़ात वो फजूल खर्ची करते भी नजर आते हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने रकम का कुछ हिस्सा पहले ही महफूज कर लिया होता है। वो अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त बना लेते हैं और मुनासिब रकम का बंदोबस्त होने के बाद अपनी पसंदीदा अशिया खरीदना शुरू कर देते हैं। ज़राअत, बैंकिंग, अद्वियात, तालीम और फन मेमारी उनके लिए मौजू साबित होते हैं। अब हम आते हैं ये साल 2022 टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों के लिए खुशखबरी है कि 2022 उनकी जिंदगी में खुशगुन और नाकाबले फरामोश साल साबित होगा। इस साल चार अहम सितारे जोहल, मुश्तरी, राहु और केतु अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं। इस साल अपने मुस्तकबिल को बेहतर और दरक्षा बनाने के लिए सौरी अफराद जो कदम उठाएंगे उसके समरात उनको आइंदा सालों 2023, 2024 और मार्च 2025 तक मिलते रहेंगे। इनका ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो, वो इन सम्राट को महसूस किए बगैर ना रह सकेंगे। टॉरस वालों के नसीब और कैरियत का मुश्तरका हाकिम सितारा जोहल इनके ताले के हाकिम जोहरा का दोस्त। ये जोहल जो है 27.5 साल के बाद 1 जनवरी आज के दिन से 28 मार्च 2025 तक शमसी जायचे में बड़ी 7 पोजीशन में रहेगा, जिससे इनके मुस्तकबिल को दरक्षा बनाने में वो जो कदम उठाएंगे उसका उन्हें भरपूर सिला मिलेगा। इनके ताले का हाकिम सितारा जोहरा इस साल 27 अप्रैल से 22 अप्रैल तक शर्फ याफ्ता
जबकि 18 जून से 13 जुलाई और फिर 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अरूज याफ्ता रहने से इनके सियासी, समाजी और रूहानी कद में इजाफा होगा और दूसरे इनकी शख्सियत और इनकी काबिलियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे। खाना माल का हाकिम सितारा जोहरा, जो इनके नसीब और कैरियर के हाकिम जोहल का भी दोस्त है, शुरू साल से ही दोनों सितारे नसीब के घर में रहते हुए माली मामलात में गैर मुतवक को मुनाफा देंगे। इनके वालदैन और बुजुर्गों की इनके हक में की गई दुआएं बारगाहे खुदावंदी में मुस्तजाब होंगी। कोई बड़ा मंसूबा या तवील उलमियाद सरमायाकारी इनके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। पांचवां घर जो औलाद, इनाम और मोहब्बत का घर है, इस घर का हाकिम अतारद सूरज का के साथ दुमछल्ला बनकर अपने सालाना सफर में 2 से 16 जुलाई तक अरूज याफ्ता होकर, जबकि 21 जुलाई से 26 अक्टूबर तक शर्फ याफ्ता होकर अजीब व गरीब तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। शुरू साल से ही औलाद, इनाम और मोहब्बत के सभी मामलात इनकी के हस्ब मंशा हल हो जाएंगे। बैतुल मर्ज और ताले का मुश्तरका हाकिम सितारा जोहरा शुरू साल से 8वें घर में रहकर इनकी गुज़िश्ता पैदा शुदा कानूनी मुश्किलात, पुराने अमराज को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर देगा। जोहल 27.5 साल बाद शफा याबी के सिलसिले में इनकी हिम्मत और हौसले में इजाफा करेगा। इस साल जोहरा और जोहल की सात नजरें इनके कैरियर, मुलाजमत और पेशा वाराना अमूर में बेहतरी लाएंगी। इसके अलावा जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, जहनी तफक्कुरात से निजात मिलेगी। नेक और सात सितारा मुश्तरी 12 साल बाद अपने सानवी घर में आ जाने से इनके शराकती और विरासती मामलात में बहुत बेहतरी लाएगा। कारोबारी हजरात को अपने प्रोजेक्टों में कामयाबी मिलेगी। मुलाजमती तरक्की मरात आला मनसब या तब्दीली मुलाजमत के लिए 2022 एक अहम और अच्छा साल दिखाई देता है। सितारा मुश्तरी 12 साल बाद अपने ही घर में ताकतवर रहते हुए आपकी जिंदगी को मुसर्रत और शादमानियों से भर देगा। इस साल सितारा मुश्तरी और जोहरा की साध नजरात आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा करेंगी। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण यकुम मई और 25 अक्टूबर के सूरज ग्रहण और 8 नवंबर के चांद ग्रहण से किसी किस्म का नुकसान पहुंचने की बजाय इनको इनके दुश्मनों और मुखालफीन पर गलबा रहेगा। लेकिन 16 मई को आपके सातवें घर में लगने वाले चांद ग्रहण से शराकती अजदवाजी ताल्लुकात खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए ये वक्त बहुत तहम्मुल से गुजारें। इस साल में जो नहस वक्त हैं उनसे छुटकारा के लिए हमारा मशवरा है कि महीने में 2 तस्बीहात जरूर कीजिएगा, अल्लाह मजीद बेहतरी पैदा करेगा। पहली तस्बीह है या कबीरो, चूंकि ये 2022 का साल है इसलिए ये तस्बीह 222 बार की जाए। दूसरी तस्बीह भी 222 दफा करने की हम मशवरा देते हैं और वो है या अलियो, ये तस्बीहात कीजिए और सदका खैरात कीजिए, अल्लाह ताला ये जो आपके ग्रहणों के बद नजरात हैं उनसे भी छुटकारा देगा और अगर दूसरी कोई बद चीज आपकी जिंदगी में आने वाली होगी उससे भी आपको इन तस्बीहात के नतीजे में बेहतरी आएगी। अपने दोस्त, अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट रजा सदीकी को इजाजत दीजिए। तीसरे भुज के साथ, जमनाई के साथ, उस पर बनने वाली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।